नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर देखा जाए तो रिलायंस पावर में एक बार फिर से बड़ी जो रैली है वो देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। फिलहाल कंपनी में जो तेज़ी थी तो बढ़ती रही है, पर फिलहाल दोस्तों कंपनी के कर्ज को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के चार्ट का संकेत किस प्रकार का होने वाला है और अभी के टाइम कंपनी का दोस्तों 2024 के पहले दोस्तों जो टारगेट्स है वो किस प्रकार के जा सकते हैं वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम हम लोग को कितने एंट्री लेनी चाहिए या और दोस्तों साथ ही साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स किस प्रकार बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस अगर देखी जाए तो 22 रुपये 65 पैसे पर आज की क्लोजिंग देखने को नजर आती है, पर इस बीच अगर देखा जाए तो दोस्तों 52 हाई पर दोस्तों जो प्राइस है वो भी आज यहाँ पे नई ऐड होती हुई देखने को मिलने वाली है 22 रुपये 75 पैसे। अब फिलहाल रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 10.22% के सिंगल ट्रेड के ऊपर दोस्तों रिटर्न्स पर तेज़ी यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली है। फिलहाल तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली वो भी आप जानने वाले हैं आगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल अगर लास्ट पिछली 5 ट्रेड का अगर डेटा अगर देखा जाए तो उसमें दोस्तों एक्चुअल जो है उतार चढ़ाव नजर आते हैं, क्योंकि प्राइस अगर देखा जाए तो 20 रुपये 30 पैसे फिर उसके बाद देखने को नजर आता है 21 रुपये 70 पैसे फिर वापस गिरावट 20 रुपये 40 पैसे पर। वर्तमान में जो तेज़ी है वो फिर से दोस्तों रॉकेट की रफ्तार से जो है मार्केट आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों लास्ट एक महीने का जो मार्केट है उसमें दोस्तों उतार चढ़ाव कुछ इस प्रकार देखने को नजर आए। 16 रुपये 30 पैसे जो मार्केट में जो तेजी है, आज के टारगेट आप देख सकते हैं कि फिलहाल मार्केट आज किस लेवल पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों बात आती है कि कंपनी का कर्ज किस प्रकार का होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों कंपनी ने पिछले टाइम कर्ज के चलते दोस्तों कंपनी एक बार नीलामी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, फिर उसके बाद देखने को नजर आया कि कंपनी के मैनेजमेंट में दोस्तों काफ़ी जो कमियाँ देखने को नजर आ रही थी तो उसमें सुधार देखने को नजर आए और उसी मैनेजमेंट के सुधार के बाद जो है कंपनी में मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ा है और कंपनी का जो कर्ज है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। फिलहाल देखा जाए तो दोस्तों हर क्वार्टर के रिजल्ट्स में कंपनी की जो सेल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कंपनी के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले देखने को नजर आते हैं। अब बात आती है दोस्तों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की। तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के जो टारगेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीबगर देखने को नजर आने वाले हैं। आने वाले 2 साल की अगर बात की जाए तो 2 साल का जो आंकड़ा है वो दोस्तों काफ़ी बड़ा होने वाला है। 100 रुपये प्लस को दोस्तों क्रॉस करता हुआ जो मार्केट है वो आप लोग को देखने को मिलने वाला है। इस बीच अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए 6 से 8 महीने की तो टारगेट दोस्तों 40 रुपये से लेकर 60 रुपये प्लस को दोस्तों यहाँ पे क्रॉस करते हुए देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, विदाउट ऑपरेटर्स के गेम और दोस्तों मार्केट के रेस के अलावा। इसमें मार्केट क्रेश होने से दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट में इतना उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, पर दोस्तों अगर ऑपरेटर्स का गेम अगर होता है तो दोस्तों फिर आंकड़ा कुछ और होगा और डेटा कुछ और होगा। तो ये दोस्तों इस चीज़ से हम लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है और ऑपरेटर्स के चलते आप लोग को सेलिंग करके जो गलती जो अक्सर दोहराते हैं उस चीज़ को हम लोग को दोहराने की आवश्यकता है नहीं। तो फिलहाल मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहे, होल्ड जितना हो सके कर लेना और फिलहाल बाय करने का जो गोल्डन मौका है वो अभी टाइम रहने वाला है। फिर दोस्तों लगातार जो है मार्केट में तेज़ी इंक्रीज होगी, मार्केट काफ़ी अच्छा भागता हुआ नजर आने वाला है तो डेटा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, प्रॉफिट काफी ज्यादा मल्टीबगर बनने वाला है और कंपनी का जो कर्ज है दोस्तों जल्दी यहां पे कम होने वाला है, क्योंकि लगातार मार्केट कैप बढ़ रहा है और सेल्स की ग्रोथ प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पे बढ़ रही है और मार्केट में तेजी यहां पे ऑलरेडी आते हुए देखने को नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मोर इंटरेस्टेड वीडियोज के लिए। तो आइए बढ़ते हैं बेसिक जानकारी की ओर। अब दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों 8,552 करोड़ का रहने वाला है, उससे के विपरीत अगर देखी जाए तो दोस्तों डेटा जो है वो प्रभावित करने वाला रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों सेल्स की ग्रोथ में ऑलरेडी जो है रिकवरी जो सुधार जो है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है, पर प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव बढ़ रही है। पर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ROC का आंकड़ा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, ROE में ऑलरेडी सुधार नजर आ रही है, बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है और आज नई जो प्राइस है वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। पर इस बीच अगर देखा जाए तो दोस्तों पब्लिक की और जो मोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसी की वजह से मार्केट जो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 24.5% का रहने वाला है, पर उसके विपरीत अगर देखा जाए तो 7,590 करोड़ की वर्तमान लास्ट वन ईयर की जो सेल है वो अभी टाइम आंकड़ों को पॉजिटिव दर्शाती हुई नजर आ रही है। पर अभी टाइम कंपनी में जो बड़ी नेगेटिविटी कंपनी का ब्याज एवरेज अनुपात कम है, लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो दोस्तों 0.50% जो है दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग पर गिरावट रहने वाली है। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग दोस्तों 0.5% की जो है
शेयर्स की ग्रोथ पर गिरावट नजर आई। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर की अगर बात करना चाहूँ तो कंपनी को बड़े लॉस का सामना यहाँ पे फिर से करना पड़ा है, जो 238 करोड़ का यहाँ पे रहने वाला है। पर कंपनी अगर यहाँ पे इस प्रकार के डेटा को अगर मैनेज करती है तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ कंपनी का कर्ज भी कम होगा और जो तेजी है वो भी मल्टी वगैरह इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो टोटल जो डेटा है वो रिकवरेबल होने वाला है, जानकारी जो है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़कर देखने को नजर आ सकता है। तो डेटा दोस्तों अभी टाइम इस प्रकार के डेटा में अगर कंटिन्यू बाय करके होल्ड बनाते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट बनने वाला है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एंसर करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।